स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की जो वैकेंसी आ रही है एक ऐसी कंपनी की तरफ से आ रही है जहां पर ये कंपनी आप लोगों को वर्क फॉर फ्रॉम होम आप लोग को प्रोवाइड करने वाली है। आप लोग को कहीं भी जाना नहीं होगा, आप लोग को होम से ही यहाँ पर अपनी जॉब कंप्लीट करनी होगी। और साथ में देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगी। ये एक ऐसी कंपनी है गाइज, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करके ही अपना यहाँ पर जॉब करेंगे। ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की इंग्लिश जो स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप लोग अगर नॉर्मली अगर जो चैट कर रहे हैं उसमें इंग्लिश जानते हैं, नॉर्मली चैटिंग कर रहे हैं उस तरीके की, आप लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बस उतना काफ़ी है। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें इस जॉब के लिए गाइस। ये जॉब आप लोग को मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग घर पे रह के, यहाँ पर अगर घर पर जॉब करना चाहते हैं तो घर पे रह के आप लोग इसके लिए जॉब कर सकते हैं। ये जॉब आप लोग के लिए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कई ओपनिंग आप लोगों की आ रखी है, फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है, आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, और फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो देख सकते हैं ये जो इसके करियर पेज से आ रही है, और बेसिकली ये जो वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है गाइज। यहाँ पर आप लोग की कंपनी का नाम रहने वाला है डिटो। यहाँ पर आप लोग की कंपनी में भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट मैं आप लोग को यहाँ पर बोलूँगी गाइज, अगर आप लोग टेक्निकल फील्ड में जब तक नहीं आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, घर पे रह के कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सारा चीज़ मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आप मिनिमम 12th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर स्टूडेंट हैं आप लोग, यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है, 10+ डिप्लोमा है, या फिर 12th से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसकी जो पोस्ट रहने वाली है, ये जो है आप लोग व्हाट्सएप से आप लोग को चैट करनी है विद, यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, जैसे कोई भी आप लोग का यहाँ पर नंबर वगैरह प्रोवाइड कंपनी करेगी, ये सारी चीज़ें, और आपका जो मेन नंबर होगा वो यहाँ पर नहीं जाएगा, आप कंपनी के ज़रिए, जैसे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए व्हाट्सएप से आप लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर नंबर नहीं जाएगा, आप कंपनी के नंबर पर करेंगे, देन कंपनी आप लोगों को जो है यहाँ पर वर्क करने के लिए नंबर प्रोवाइड करेगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर करेंगे। साथ ही आप लोगों को चैट में यहाँ पर करना होगा चैट, यहाँ पर कई तरीके की प्रोफाइल्स हैं, तीन प्रोफाइल्स हैं, मैं तीनों दिखाऊंगी, और जो हमारी ये वाली जो प्रोफाइल्स है ये व्हाट्सएप से आप लोग को चैट करना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें इसकी डिटेल में जान सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर देख देती हूँ। तो गाइस बेसिकली ये जो डिटो कंपनी है, जैसे फाइनेंस वगैरह के बारे में यहाँ पर बताती है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सब जॉब करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है इसके बारे में, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अदर लोगों को जो आपके कस्टमर हैं उनको फाइनेंस के बारे में वहाँ पर आप लोग को नॉलेज देनी होगी, ये सारी चीज़ें। और रिक्वायर्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल आप लोग को बस अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता आप लोग की इंग्लिश में हिंदी में, बट आप लोग की गुड कमांड होनी चाहिए, आप लोग जैसे इंग्लिश में सामने वाला चैट कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा नहीं कि पढ़ भी नहीं पा रहे हैं आप लोग इंग्लिश, इस तरीके की आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है, गुड कमांड होनी चाहिए, मतलब बेटर होनी चाहिए। और आप लोग को जो है आप लोग कंफर्टेबल होने चाहिए इस वर्क के लिए। आप लोग की सैलरी की बात करूँ तो सैलरी गाइज आप लोग की यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली, लगभग मैं बता दूँ 30+ आप लोग की सैलरी रहने वाली है, आप लोग की काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी यहाँ पर। और बाकी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा गया है यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर आपके पास लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है लैपटॉप, क्योंकि गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप से आप लोग को वर्क कराया जा रहा है, तो इस प्रोफाइल के लिए तो आप लोगों से मे बी लैपटॉप नहीं जो है आप लोगों से रिक्वायर किया जाएगा। बट दूसरी जो वैकेंसी है मैं उसको आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखिए ये जो दूसरी वैकेंसी है ये आप लोग की जो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की है, तो आप लोगों जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो उसके बारे में एडवाइस देना होगा। बट गाइज ये आप लोगों की जो वैकेंसी है ये आप लोगों की व्हाट्सएप वाली नहीं है, आप लोग को हो सकता है कॉल पे भी यहाँ पर बात करनी पड़े, या फिर हो सकता है आप लोग को व्हाट्सएप से भी करनी पड़े, मेल से भी करनी पड़े, तो ये आप लोग का यहाँ पर रहेगा मेन चीज़। बट आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ भी इंश्योरेंस के बारे में देनी है। साथ ही यहाँ पर कोई भी टारगेट वगैरह नहीं है कि इतना टारगेट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायर्ड की बात करूँ तो गाइज आप लोग की इंग्लिश मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा बेटर नहीं,
आप लोग सामने से अगर कोई इंग्लिश थोड़ा बहुत वर्ड बोल रहा है तो आप लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकें, मेन ये है। और आप लोग देखिए, कंप्यूटर नॉलेज आप लोग की थोड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप लोग इसके लिए फ़ोन से वर्क कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप लोग की जो है कम्युनिकेशन अच्छी है तो एक प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप लोग की जो एक तरीके से जो आप लोग की सैलरी रहेगी ये यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब देख सकते हैं आप लोग की 30+ की आप लोग की मंथली सैलरी रहेगी, 30 मतलब 30,000 प्लस आप लोग की यहाँ पर काफ़ी सैलरी रहेगी, और इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। और मैं नेक्स्ट आप इसकी जो प्रोफाइल है उसकी दिखाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर जो आप लोग की नेक्स्ट ये वैकेंसी है ये जो है रिक्रूटर स्पेशलिस्ट की है। यहाँ आप लोग की देखिए HR की एक तरीके से रहेगी और ह्यूमन रिसोर्सेज आप लोग का डिपार्टमेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है इस वैकेंसी के लिए, ये जो ओपनिंग है इस वैकेंसी के लिए, अगर इंग्लिश में आप लोगों की कमांड अच्छी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर भी आप लोग फाइनेंस वगैरह के बारे में यहाँ पर आप लोगों को डिटेल जाननी होगी, साथ ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ थोड़ा मैं स्क्रॉल करके आप लोग को कुछ चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप क्वालिफिकेशन में बताई चूँकि ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए गाइस 1 से लेकर 3 ईयर तक एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए फ्रेशर स्टूडेंट है, कुछ हमारे फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर उनकी इंग्लिश में कमांड काफ़ी अच्छी है तो वो लोग अप्लाई करें, फ्रेशर है तब भी अप्लाई करें, क्योंकि गाइस आप लोग के एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग का ये जो इंग्लिश में अगर कमांड अच्छी है, आप लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो ये आप लोग का एक प्लस पॉइंट होगा जिससे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग को हायर किया जा सकता है। और आप लोग की ये सारी जितनी भी मैंने जॉब्स दिखाई है ये फुल टाइम जॉब है गाइस, यहाँ पर आप लोग को वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग की कमांड जैसे देखिए यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो भी अप्लाई कर दें इस वैकेंसी के लिए, और आप लोग की कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो भी अप्लाई कर दें। अप्लाई कहाँ से करेंगे, ये सारी जितनी भी मैंने आप लोग को वैकेंसी दिखाई इन सभी में देखिए आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग को करना है यहाँ पर क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना वर्क एक्सपीरियंस, देखिए इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है इसलिए वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, बट आपके जो मैंने उससे भी दो पहले प्रोफाइल दिखाई थी उसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा इसीलिए उसमें नहीं डालना है। अब देखिए जैसे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग को इन क्वेश्चन के आंसर ना आए तो आप लोग सिंपली एक काम करना, मैं आप लोग को बेटर सॉल्यूशन बता दूँ। यहाँ पर आप लोग को करना है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है गूगल पर सर्च मार लेना, ठीक है। आप लोग उसमें गूगल पर सर्च मारने के बाद जितना भी आप लोग को वहाँ पर आंसर मिले यहाँ पर देना, बट आप थोड़ा चेंजिंग कर देना उसमें अपने अकॉर्डिंग, ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने डिट्टो एकदम कर दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ से सबमिट कर देना। इसी तरीके से मैं आप लोग को जैसे दूसरी वाली ये जो प्रोफाइल है इससे पहले वाली यहाँ पर दिखाती हूँ, इसमें भी आप लोग का इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग को ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इनके जवाब दे देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। आप लोगों का नहीं आता गूगल पर सर्च मार लेना, इनके सारे आंसर मिल जाएंगे, मैं आप लोग को बता देती हूँ सभी आंसर मिल जाएंगे, तो उस तरीके से आप लोग इनको फॉर्म में फिलअप कर देंगे। गाइस जरूर कर देना, मैं आप लोग को बोल रही हूँ 100% आप लोग का इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है ये काफ़ी स्टूडेंट को हायर भी कर चुकी है और इनकी तरफ से बहुत जल्दी रिप्लाई भी आता है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें।